चाकू व्यंजना व्यंजना भिक्खु संघर्षा देवी 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 सीमा सीमा भोजना भोजन चाकू चाकू व्यंजना भिक्खु संघर्षा देवी देवी ये कार्यक्रम वैसे तो हम हर साल करते हैं कुमार की पूर्णिमा को और बुद्ध जयंती के दिन। तो बुद्ध जयंती का तो सभी लोग पढ़ते थे, भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था उसी दिन पर निर्वाण हुआ था और उसी दिन बोधी भी प्राप्त हुआ। लेकिन इस पवारणा के विषय में बहुत कम जानकारी लोगों को होगी, तो ये जानकारी ये आज के ही दिन भगवान बुद्ध अपने माता पिता को उपदेश दे और संहिता में उतरे थे, अवतरण स्थान था। दूसरे आज ही के दिन वर्षावास का समापन, तीसरे भिक्खु संघ का जो वर्षावास होता है उसमें आपस में शंका मनुटाव कहासुनी एक दूसरे से, मनुष्य का जीवन है तो ये स्वाभाविक है। तो ये भगवान बुद्ध ने अपने समय से ये नियम बना दिया कि सभी एक दूसरे से अपनी अपनी गलती देखें और एक दूसरे से क्षमा याचना करें। इसी को कहा जाता है पवारणा। पवारणा का मतलब प्रवारण करते हैं, हम अपनी गलतियों का दूर करने का प्रयास करते हैं। अज में पवारणा पवारेण सुन व दिटेन व संकाय एवं बदन पटकृस्वामी की, ये ऐसे कहा भगवान जी ने। आज जो हम ये पवारणा है उसको पवारें मैंने दूर करता हूँ, सुन करके देख करके और जान करके भी, जानबूझ करके आदमी गलती करता है। तो इन सभी कारणों से यदि हमसे कोई आपत्ति हुई है तो उसको हम मन से देखते हैं। तो ये आपस का जो मनमुटाव है, गलती है, वो सब दूर हो जाती है। इसलिए ये किसका कारण है, ये पवारणा। तो ये पवारणा तो हम हर साल करते हैं, लेकिन आप लोग सभी कासाव वस्त्र धारण, कासाव वस्त्र धारण किए, कोई कैसे धारण किया है कैसे नहीं धारण किया है ये कारण विषय अलग है, लेकिन कासाव वस्त्र धारण करके श्रामणेय रहें तो भी जानकारी करना चाहिए, भिक्खु हो गए तो भी जानकारी करनी चाहिए कि हमारा धर्म क्या है, हम किस लिए जीवन जीने हैं और हम क्या कर रहे हैं, अपने कर्मों के ऊपर भी जानकारी और उसके प्रति पश्चाताप करना चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए। गलती होती है तो उसको स्वयं प्रायश्चित कर लेना चाहिए कि ये हमसे भूल हुई है, अब हम आगे भूल नहीं करेंगे। तो हम ज़्यादा न कह करके इतना संक्षिप्त जानकारी आप लोगों को देते हैं। ये जो पर्व मनाया जा रहा है, ये वर्षावास का समापन, संघदान की पूजा होती है आज ही के दिन से, कठिन चीवर दान लोग करेंगे। कठिन चीवर दान का मतलब होता है एक जितना कपड़े से भी कठिन चीवर दान हो सकता है, एक अंतर्वास से भी हो सकता है, एक बहुत बड़े चीवर से भी कठिन दान हो सकता है। कठिन दान का बड़ी कठिनाई से बनाया जाता है। भगवान बुद्ध के समय में सारी रात पहले लोग सूत काटते थे, सूत काटने पे एक जात बनी हुई थी और वो जात आज भी है, हैं? तो वो सूत काटना कपड़ा बुनना उनका काम था, तो वो लोग सारी रात सूत काटते थे। सूत काटने के बाद में रात हो रात धागा ऐठना, धागा क्योंकि बिना ऐठे धागा वैसे कपड़े में बुन नहीं सकते, उनको रगड़ना मांझना ये सब करना होता, सारी रात में ही वो लोग कर जाते थे। और करने के बाद में 4 बजे रात में सब अपनी अपनी प्लेटों में अपने अपने गलैया निलिया जिसके पास जो कुछ होता था उसमें रख करके बुद्धा की धम्मा की संघा की जय जयकार का नारा लगाते हुए सब घूमते थे। और घूम करके जहाँ भिक्षु संघ होता था तो वहाँ जो वर्षावास में सबसे बड़ा भिक्षु है उसी को कठिन दान होता है। तो ये कठिन दान की भी परंपरा है। अभी कठिन दान एक बंदे महन वो कठिन दान कर रहा है, बहुत बड़ा कठिन दान कर रहा है, बता रहा था हमसे फोन पर कि हम कठिन दान तो देखा अलग बात है। लेकिन ये सब कार्यक्रम सब पूरे भारत में जितने हैं बौद्ध धर्म के, बुद्ध गया है, सारनाथ है,
श्रावस्ती है और लुम्बिनी है, इन जगहों पर सब लोग कठिन शिविर दान देने जाते हैं। यहाँ पर लोग मिट्टू लोग वर्षावास करते हैं, वर्षावास में उनको कोई, इसीलिए श्रीलंका के देखते हो 3 महीना वर्षावास के दरमियान में कितनी 10-10, 12-12 बसें आती है लोगों को भोजन देने के लिए, वस्त्र देने के लिए, साबुन देने के लिए, उनकी रोजमर्रा की जो चीज़ें हैं उनको दान करने के लिए ही यहाँ पर आते हैं। तो ये कार्य जो है उपासकों को समझना चाहिए, भक्तों को भी जानकारी होना चाहिए, उपासकों को भी समझना चाहिए। हम लोग भी, दूसरे देश के लोग आते हैं हमारे यहाँ कठिन दान करने के लिए या तीव्र दान देने के लिए, हम लोग यहाँ पर रहते हैं आपस में मिल करके छोटा से छोटा बड़े से बड़ा कार्यक्रम आप लोग करते हैं, उसमें ये नहीं है कोई एक ही आदमी करे, सब लोग मिलजुल करके करो, तो करना चाहिए, करोगे तो ये परंपरा बनेगी और आप लोगों का नाम होगा और ये भी होगा कि भिक्षु संघ इंडिपेंडेंट है, अपने उपासकों के ऊपर आधारित है। अभी तो कल सब कहते हैं अरे भीख मांगने वाले हैं, सब तीवर पहनते हैं, ये है वो है, सब दुनिया भर की बातें करते हैं, तो ये क्यों करते हैं? ये हम लोगों की कमजोरी है, इसलिए करते हैं। हम लोगों की कमजोरी अपने अंदर दूर कर लें तो ये सब अपने आप खत्म हो जाएगा। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। पटि संघायो निजो पिंडपातं पटि देवानीने उगवाय नमताय नमंगनाय नभिभूतनाय वैमत्सकाय सतिद्या जापनाय प्रतिया ब्रह्मचर्यानुगाय इतिराणं पटियंकानं उपादेशान् यात्रा चामे भविष्यति अनुजताता भासुया रोचाति अभिवादन शीलसा निचं वदापचायिनो चत्तारो धम्मा वदन्ति वन्नो सुखं वलन्ति। Thank you.